अध्यक्ष, अभी आप लोगों के द्वारा जो रैली निकाल कर ज्ञापन सौंपा गया, क्या पूरा? जैसा कि आप सबको पता है कि कल शाम को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उसी पार्टी के आदेशानुसार आज प्रदेश के हर जनपद में ज्ञापन दिया गया। क्या मांगे हैं इसमें? सबसे पहली मांग है कि तत्काल मुजरिमों को पकड़ा जाए और न्याय उचित दंड दिया जाए और भाई को जेड प्लस की सुरक्षा दिया जाए। तीन सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि पुलिस प्रशासन चार लोगों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है, फिर प्रदर्शन क्यों किया? भाई देखिए, अभी पूछताछ कर रही है, ठीक है, पूछताछ करने से समस्या हल नहीं होगी जब तक कि निष्कर्ष नहीं निकलेगा। चार दिन पहले फेसबुक के माध्यम से धमकी भी मिली थी जी, ये बहुत निंदनीय है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सरकार कहती है हम भ्रष्टाचारियों को मिट्टी में मिला दे रहे हैं, लेकिन ये घटना क्यों? देखिए, सरकार के सारे वादे खोखले हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला हो, चाहे आप जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला हो, चाहे जो है अपराधियों को जेल में डालने की बात हो, चाहे माफियाओं को जेल में डालने की बात हो, सरकार के सारे वादे सारे खोखले हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर कल जानलेवा हमला हुआ, ये हमला मात्र एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, ये हमला उन करोड़ों शोषितों वंचितों की आवाज़ को दबाने के लिए है जो पूरे देश में प्रदेश में हर जगह हर जनपद में जो एक जो है बहुजनों की एक उम्मीद बन चुका है। जब सरकार कहीं नहीं सुनती है, जब प्रशासन कहीं नहीं गरीबों की मदद करती है, शोषितों की मदद नहीं करती, तो मात्र पूरे देश में एक आवाज़ आती है चंद्रशेखर आज़ाद की। और चंद्रशेखर आज़ाद ही वो एक ऐसा नाम है जो शोषितों वंचितों के साथ लड़ता है, जो उनके हक और हकूक के लिए अपनी जान को निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी लगभग छः महीने के अंतराल में जब खतौली विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे थे तो भी उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन अभी वो हमला शाम के लिए हुआ कि दोबारा हमला उनके ऊपर? देखिए, ये सरकार हमेशा जो है उन आवाज़ों को दबाती रही हो, दबाती आई है जो बहुजनों की बात करते हैं, जो उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होते हैं, जो शोषित के साथ खड़े होते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, जो अपने हक की बात करते हैं। ये सरकार, ये विपरीत मानसिकता के लोग, ये बहुजनों को उठता हुआ नहीं देख सकते, बहुजनों को कुर्सी बैठता हुआ नहीं देख सकते, इनको राजनीति करनी नहीं पसंद करते कि ये अपने हक और हकों के लिए लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें।